बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हाजमी फूड्स। आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आया हूं, स्पेशल ईद उल फितर के लिए कैमल का आलू मटर कीमा हम बनाएंगे। जो लोग कहते हैं कि कैमल के कीमे में नमकियात होते हैं, नमकीन होता है गोश्त, तो ये स्पेशल उनके लिए है, इसमें कोई नमकियात नहीं होते। इंशाल्लाह ताला हमारी रेसिपी देखें और इसी तरह आप कीमा तैयार करें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए फौरन तैयार करते हैं। जी तो चलिए व्यूअर्स, हम स्पेशल रेसिपी आज शुरू कर रहे हैं उनके कीमे के, जो हम बना रहे हैं सालन आलू कीमा मटर डालेंगे इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आधा किलो कीमा है, ठीक है, हाफ के जी, और इसमें मैं एक गिलास जो है ना पानी डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक गिलास इसमें पानी डालेंगे और साथ इसमें ये देखें दो दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर काटे हैं, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज काटा है और जवे हैं, ठीक है, एक पीस पूरा ले लें जवों का और उसमें से सारे छिलके उतार लें, तो ये तैयार हो जाएगा। ये सब मैं डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें जो है ना हम डालेंगे आप अपनी मर्जी के जो मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं नमक डालूंगा, 1 टीस्पून नमक डालूंगा, ठीक है जी, और इसमें लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है जी, और इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया, मैं डालूंगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पीसा हुआ पाउडर डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और इसमें मैं डालूंगा हल्दी, डालूंगा इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है जी, और इसमें ज़ीरा डालेंगे, ठीक है जी, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला मैंने इसमें, और इसको हम स्टीम के लिए रखेंगे, ठीक है, तकरीबन हम 15 से 20 मिनट इसको स्टीम पे रखेंगे और फिर बाद में इसको स्टीम पर से उतारेंगे और बाकी अगला प्रोसेस मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। और व्यूअर्स, मैं आपको स्पेशली ये बताऊँ कि ये कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ है क्योंकि हमारे इधर सिर्फ संडे के संडे मिलता है, इतवार को, ठीक है, इतवार के आगे पीछे नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने पहले का लेके रखा हुआ है, तो उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है, ठीक है। और ये स्पेशली ईद के दिनों की रेसिपी है, जब ईद के दिनों में छुट्टियां होती हैं तो आप घर में इंजॉय करते हैं, फारग बैठे हैं, या आपने खाना का जहर है, खाना तो खाना है आपने, तो ऊँट का आलू कीमा बनाए और इंजॉय करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ईद की खुशियां बाबा हाजमी फूड के संग इंशाल्लाह। व्यूअर्स, तो इसको मैं स्टीम दे रहा हूँ, इसको 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं स्टीम के बाद। व्यूअर्स जी देखें, मैंने इसको स्टीम से ऊपर कर लिया मैंने, अब मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, कनोला ऑयल है, ठीक है, ये डाल रहा हूँ, तकरीबन 5 टेबल स्पून है, 6 टेबल स्पून, ठीक है ना, ये मैंने भर के एक डाली है, और इसमें मैं मज़ीद डालूंगा अदरक, अदरक का पेस्ट मैंने बनाया है 1 टीस्पून, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और इसको मैं इसमें अच्छी तरह से भूनूंगा, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं भून के आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे तो साथ साथ मिक्स करेंगे इस तरह। व्यूअर्स, इसमें गरम मसाला डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालूंगा, गरम मसाले की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाल्लाह, और इसमें दही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, 100 ग्राम दही मैंने डाला है इसमें, और इसको मैं दही में अच्छी तरह से भूनूंगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। कैमल का कीमा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, यूट्यूब पर इंशाल्लाह पहली दफ़ा आ रहा है, तो मज़ा आता है। सब लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि ये नमकीन होता है, फलां टांग होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ये बहुत टेस्टी होता है, सब कीमों से ज़्यादा इसका टेस्ट होता है इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, मैंने इसमें गर्म मसाला डाला है, अभी ये कीमे की अपनी खुशबू आ रही है, तो बिल्कुल ये भूल जाएँ,
कि ये कीमे में कोई नमकियात होते हैं या ऐसा होता है, ये बहुत टेस्टी होता है कैमल का कीमे का। वैसे भी सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, तो बहुत मज़ेदार कीमा होता है इसकी। तो कीमे की टिक्कियाँ मैं अभी बना के आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत टेस्ट, बहुत मज़ा आता है कीमे का। तो ये ऊँट का कीमा तो लाजवाब है, और फिर ऊपर से हो बाबा हाबी फूड की रेसिपी, वो तो फिर और ही लाजवाब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। व्यूअर ये देखिए, इसमें मैं दो दरमियाने साइज के आलू काटे हैं ये डाल रहा हूँ, और 250 ग्राम मटर लेके निकाल लिए हैं ये, उसमें से ये इतने निकले हैं, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें डाल के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसको स्टीम दे रहा हूँ, ताकि ये आलू और मटर जो है ना ये भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी व्यूअर, इसमें मैं पानी डाल के तो इसको मैं स्टीम दे रहा हूँ। जी व्यूअर, ये देखें हमारे आलू मटर कीमा जो है ना, कैमल का कीमा इंशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो मैं इसको अभी आपको उतार के फ्लेम से डिश आउट करके भी दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको ये बताना था कि जो मैंने पानी इसमें डाला था ना दोबारा से स्टीम करने के लिए, वो आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा था, आधा ग्लास भी डाल दे तो भी ठीक है। बहुत शुक्रिया, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये मैं इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह, और हरी मिर्च मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी, मैंने ऊपर हरी मिर्च डाल दिया, और इसके ऊपर नींबू रखेंगे। ज़बरदस्त हमारा जो है ना कैमल के कीमे की डिश तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। यकीन जाने ज़बरदस्त, बहुत मज़े का कीमा तैयार हुआ है। इसी तरह आप भी तैयार करें इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा। हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स जो है ना आपके हमारे लिए मौजूद होते हैं, अपने दोस्तों भाइयों में शेयर करें हमारी वीडियो, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जाना चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।